हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, एक जबरदस्त ट्रिक हाथ लगी है जिसके थ्रू आप बिल्कुल फ्री में क्रेडिट कार्ड लिमिट को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और आपको अच्छा खासा कैशबैक भी मिलेगा। जी हाँ, अगर आपके पास SBI का कैशबैक कार्ड है तो इस कार्ड से आप क्रेडिट कार्ड लिमिट को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, आपको फ्लैट 5% का कैशबैक मिलेगा। 10,000 ट्रांसफर करेंगे, सीधे 500 रुपए का प्रॉफिट। SBI कैशबैक कार्ड नहीं है, SBI का सिंपली क्लिक कार्ड है, तो उस कार्ड में आपको 1.25% का कैशबैक मिल जाएगा। एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट कार्ड है, 1.5% का कैशबैक मिलेगा। अमेजोन ICICI कार्ड यूज करेंगे तो उसपे आपको 1% का कैशबैक मिलेगा। यानी सबसे ज्यादा कैशबैक आपको SBI कैशबैक कार्ड यूज करने से मिलेगा और बिल्कुल फ्री में क्रेडिट कार्ड लिमिट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी हो जाएगी। तो वो क्या ट्रिक है जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा लीजिए, साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि हर तरह की लूट की अपडेट्स आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। तो दोस्तों, इस ट्रिक को यूज करने के लिए जहां पे आपको अच्छा खासा क्रेडिट कार्ड लिमिट को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने पे कैशबैक भी मिलेगा, आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। उस लिंक पे क्लिक करके आप प्ले स्टोर पे रिडायरेक्ट होके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। इस एप्लीकेशन का नाम है दोस्तों फोर्टम चार्जेस एंड ड्राइव इंडिया। आपको इसे इंस्टॉल करके इस पे साइन अप कर लेना अपने किसी भी मोबाइल नंबर से। साइन अप करने के बाद होम स्क्रीन पे आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। यहाँ नीचे देखिए होम, एक वॉलेट का ऑप्शन है और लास्ट में आपको 3 डॉट्स दिखेंगी, वहां पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे इस तरह के कई सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, स्टोर ऑर्डर्स, पेमेंट मेथड, सपोर्ट, ज्वाइन हैंड्स विद अस, लॉग आउट। आपको यहाँ पे सबसे पहले पेमेंट मेथड पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको फोर्टम चार्ज एंड ड्राइव कार्ड इश्यूड बाय पाइन लैब्स, एक तो वर्चुअल कार्ड आपको यहाँ पे इश्यू कर दिया जाएगा। आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिलहाल देखिए कार्ड बैलेंस 0 है, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ आप देखिए इस तरह का एक ग्रीन कार्ड आपको वर्चुअल कार्ड के तौर पे यहाँ पे दिखाई देगा। आप कार्ड डिटेल्स एंड लिमिट सेटिंग्स पे क्लिक कीजिए। शो कार्ड डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपको कार्ड की सारी डिटेल्स यहाँ पे शो कर देगी। आप इस कार्ड डिटेल को कॉपी कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक रुपए प्रीपेड कार्ड है जो कि आपको पाइन लैब्स की तरफ से इशू किया गया है। पाइन लैब्स एक बहुत ही जेन्युइन गेटवे है। ये एक प्रीपेड कार्ड है तो इसमें आपको मंथली लिमिट 10,000 रुपए की मिलती है, यानी कि आप मैक्सिमम 10,000 रुपए से इस कार्ड में लोड कर सकते हैं और इस कार्ड से स्पेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेक श्योर कीजिएगा ई-कॉम ट्रांजेक्शंस इनेबल हो। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको सबसे पहले इस कार्ड में पैसे ऐड करने हैं, तो मैं आपको दिखाने के लिए 100 रुपीज ऐड कर रहा हूँ। आप 10,000 रुपए तक कोई भी अमाउंट एक महीने तक इस कार्ड में लोड कर सकते हैं। पहला ट्रांजेक्शन आप कम का ही कीजिएगा, वो सक्सेसफुल हो जाएगा, तब फिर बड़ा ट्रांजेक्शन कीजिएगा। मैं ये 100 रुपीज अपने वन कार्ड से ऐड कर रहा हूँ। 100 रुपीज मैंने यहाँ पे एंटर किए, रिचार्ज पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे देखिए आपको कई सारे पेमेंट ऑप्शंस दिखाई देंगे, UPI, कार्ड्स में आप देखिए क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स दोनों का ऑप्शन है, तो हम क्रेडिट डेबिट कार्ड्स पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आपको जिस भी कार्ड से पैसे ऐड करने हैं वो कार्ड डिटेल्स यहाँ पे एंटर करनी है। जैसा मैंने बताया, अगर आपके पास SBI कैशबैक कार्ड है, इस कार्ड से अगर आप पैसे लोड करेंगे तो आपको फ्लैट 5% का कैशबैक आपके SBI कैशबैक कार्ड पे मिलेगा, क्योंकि एक मर्चेंट ट्रांजेक्शन है। ये किसी तरह का कोई वॉलेट रिलोड या रिचार्ज ट्रांजेक्शन नहीं है जहाँ पे केवल 1% मिलता है। तो मैंने अपने वन कार्ड की सारी डिटेल्स यहाँ पे एंटर कर दी, प्रोसीड टू पे पे क्लिक किया, वन कार्ड का मेरा OTP आया, मैंने कन्फर्म कर दिया। देखिए 100 रुपीज का रिचार्ज सक्सेसफुल हो चुका है। चेक बैलेंस पे क्लिक किया, आप ये देखिए 100 रुपीज मेरे फोर्टम चार्ज एंड ड्राइव कार्ड में लोड हो चुके हैं। तो आप शुरुआती ट्रांजेक्शन 100 का ही ट्राई कीजिए, उसके बाद आप 9,900 रुपए का ट्रांजेक्शन भी एक साथ में कर सकते हैं अगर आपका ये वाला ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाता है तो। अगर आपके पास SBI कैशबैक कार्ड है तो ये बहुत ही अच्छा मौका है। 10,000 रुपए अगर आप कार्ड से निकालेंगे तो फ्लैट आपको 5% 500 रुपए का यहाँ से प्रॉफिट हो जाएगा। अब आपने जो पैसे यहाँ इस कार्ड में लोड किए हैं उसे आप किस तरह से निकालेंगे, इसका बहुत ही सिंपल सा उपाय है दोस्तों। आप अमेजोन को यूज कीजिए। 100 रुपीज एड मनी कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको अदर UPI नेट बैंकिंग को सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे एयरटेल पेमेंट्स बैंक को सेलेक्ट कीजिए, अपना एयरटेल मिनी KYC अकाउंट का जो भी नंबर है वो नंबर देके यहाँ पे लॉगिन कर लीजिए। फिर आपको अपना एयरटेल मनी का 4 डिजिट का पिन कोड यहाँ पे एंटर करना है। यहाँ देखिए न्यू कार्ड का ऑप्शन आ गया, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, इस पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आपको अपने फोर्टम कार्ड की डिटेल्स एंटर करनी है और पेमेंट कर देना है।
देखिए मेरा फोर्टम कार्ड पे जो हमें पाइन लैब्स इशू करता है ओटीपी आया, वो ओटीपी मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया और 100 रुपीज़ का पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है और ये 100 रुपीज़ एयरटेल मिनी केवाईसी अकाउंट के थ्रू मेरे अमेजोन वॉलेट में सक्सेसफुली ऐड हो चुके हैं। आप यहाँ देख सकते हैं 100 रुपीज़ का पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, अमेजोन पे बैलेंस में 100 रुपीज़ ऐड हो चुके हैं। मेरा फुल केवाईसी अमेजोन अकाउंट है, किसी भी यूपीआई आईडी में पेमेंट करके अपने बैंक अकाउंट में ले सकता हूँ। अगर आपके अमेजोन का फुल केवाईसी अकाउंट नहीं है तो आप इसे बैंक अकाउंट में नहीं ले पाएंगे, तो उस केस में आप इंडसइंड फंड्स ऑनलाइन को यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास इंडसइंड बैंक का अकाउंट है तो सेम एयरटेल मिनी केवाईसी ट्रिक को यूज कीजिए, लेकिन वहां पे आपको मिनिमम 1000 रुपीज़ इंडसइंड बैंक अकाउंट में ऐड करने पड़ते हैं। 100 रुपीज़ का ट्रांजेक्शन करेंगे तो वो आप इंडसइंड बैंक अकाउंट से नहीं निकाल पाएंगे, आपको 900 रुपये फिर से ऐड करने होंगे, मिनिमम 1000 रुपीज़ का बैलेंस होगा, तब आप इंडस फंड ऑनलाइन के थ्रू एयरटेल मिनी केवाईसी अकाउंट को यूज करके फोर्टम कार्ड के बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। आप यहाँ देखिए मेरे वन कार्ड पे रिसेंट ट्रांजेक्शन्स में दिखा रहा है फोर्टम चार्ज ड्राइव, 100 रुपीज़ का मैंने पेमेंट किया और तो मुझे 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिले हैं। तो इस तरह से आप जो भी क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे उस पर आपको मैक्सिमम जो कैशबैक मिलता है वो इस ट्रांजेक्शन पे आपको मिलेगा। तो आप मल्टीपल फोर्टम अकाउंट बना लीजिए अपने पेरेंट्स अपने घर वालों के नाम से, तब 10-10 हज़ार करके कई सारे अकाउंट को यूज कर सकते हैं। फटाफट जाइए और इस जबरदस्त ऑफर का फायदा उठाइए और बिल्कुल फ्री में अपने क्रेडिट कार्ड लिमिट को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए और उस पे 5% तक का कैशबैक कमाइए। आशा करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को एक लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।